छतरपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिर संकट मोचन में भगवान भोलेनाथ का महाकाल स्वरूप में श्रृंगार दिनेश शर्मा के द्वारा किया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि वैसे तो सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है, परंतु सोमवार के दिन उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। वह सावन के आखिरी सोमवार के दिन मंदिर में विशाल भंडारे एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं मंदिर में आए एक श्रद्धालु राहुल पटेरिया ने बताया कि मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। आज उनके द्वारा मंदिर में विशेष प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर संकट मोचन मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के पूरे 30 दिन श्रृंगार किया जाता है, लेकिन सोमवार को विशेष श्रृंगार किया जाता है। और आज द्वितीय सोमवार है सावन का, तो दिनेश महाराज के द्वारा भगवान महाकाल का श्रृंगार किया गया है संकट मोचन महादेव के दर पर। और इतनी बारिश के बावजूद भी सभी श्रद्धालुगण पूरी आस्था के साथ मंदिर में आए हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा हुआ है और प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है मंदिर समिति के द्वारा। आज सावन सोमवार था, तीसरा सोमवार, और शंकर जी का सवेरे से ही 4 बजे से जनता आने लगी थी। अब शेक वगैरह सुबह से ही चलती रही सावन सोमवार का ये है। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्हे बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, क्लास प्ले, नर्सरी, KG 1 KG 2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगी। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने, एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG 1 और KG 2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास नारायणपुरा रोड बस स्टैंड छतरपुर।